देखिए, अब मैं जो है ये दो जो हैं छोटे छोटे प्लांट्स मैं निकाल के ले आई हूँ, तो अब इनको ग्रो करते हैं। तो यही है कि मैं इनके लिए, ये देखें मैंने बहुत सारे पॉट्स इस तरह तैयार किए हैं। कभी इनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ किसी बड़े पॉट में या किसी अलग से में, तो जो पॉट खाली हो जाते हैं उनमें ये मैंने जो है कैक्टस सॉइल ही तैयार करके डाली हुई है। तो ये देखें, इसमें जो है कैक्टस सॉइल में जो ज़्यादातर यूज़ करना है सॉइल बनाते वक्त, उसमें ये है कि आप ग्रेवल्स ज़्यादा से ज़्यादा और सैंड, और इसके बाद जो है गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल अगर आपके पास 20% है तो उसमें 20% जो है पत्तों की खाद शामिल कर दें या राइस शेल शामिल कर दें। उसके बाद जो है इसमें 20% जो है सैंड शामिल करें, और 20% जो है मैं इस तरह के ग्रेवल्स इसमें यूज़ करती हूँ। ऊपर भी मैं जो है डालती हूँ, इसके अलावा जो है मैं सॉइल में भी यूज़ करती हूँ। तो वो जो है सॉइल तैयार करके उसमें जो है मैं जितने भी कैक्टस लगाती हूँ वो जो है बहुत ही बढ़िया सी सॉइल जो है वो तैयार होती है। जितने भी मैंने सॉइल ये कैक्टस प्लांट्स लगाए हैं उन सब में मैंने जो है नीचे भी ग्रेवल्स यूज़ किए हैं, उसके बाद मैंने ऊपर भी इसी तरह ग्रेवल्स ही अप्लाई किए हैं। इसके अलावा जो है आम सॉइल फ्लावर वाली, उसमें ग्रेवल्स मैं नहीं यूज़ करती, उसमें तकरीबन मैं सैंड ही और गार्डन सॉइल और पत्तों की खाद जो है वो शामिल करती हूँ। तो देखें कितने प्यारे प्यारे जो हैं वो फ्लावर मेरे गार्डन में हैं, बहुत प्यारे प्यारे। इसी तरह जो है एक वेल ड्रेन सी सॉइल तैयार करके मैं ये प्लांट लगाती हूँ। तो चले, मेरे पास ये एक पॉट खाली था, मैंने जो है ये प्लांट जो है ट्रांसफ़र कर रही थी कि मज़ीद मेरे पास एक और पॉट छोटा सा तैयार हो जाए। बड़े बड़े पॉट्स तो होते ही हैं, लेकिन छोटे पॉट्स में भी मैं जो है वो इन्हें लगाना चाह रही थी। तो चलें, ये जो है मेरे पास एक पॉट खाली था, मैंने इसमें ही चलें एक हॉल करते हैं, इस तरह की सॉइल तैयार करते हैं और उसमें हॉल करके तो इसको लगा देते हैं। करना कुछ भी नहीं है, बस ये देखें इसमें छोटी छोटी जो हैं ये देखें जड़ें हैं, तो इसमें जो है वो लगा देते हैं। थोड़ा सा जो है इस ग्रेवल्स को मैं चाहती हूँ ऊपर कर दूँ, हॉल थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ये देखिए थोड़ा सा दब जाए इसकी जो है सॉइल, दब जाए। तो देखिए यहाँ पर ग्रेवल्स नीचे इतने यूज़ किए हुए हैं कि ये देखिए मिट्टी जो है, ये देखिए इस तरह ग्रेवल्स जो हैं मिट्टी में भी मैंने जो है इस तरह जो है ग्रेवल्स, ये अगर आप डालेंगे तो ये पानी रुकेगा नहीं। देखिए मैंने जो है काफ़ी गहरा जो है गड्ढा कर लिया है, तो अब ये भी इसी के साथ लगा देती हूँ। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, और ये देखिए इस तरह मैं इसमें थोड़ी थोड़ी जो है मिट्टी नीचे की तरफ कर देती हूँ। बहुत ही प्यारा सा ये प्लांट है, मैंने आप लोगों को दिखाया था, काफ़ी बड़ा सारा ये जो है गमला भर जाता है। तो इंशाल्लाह और उसमें अब और काफ़ी ज़्यादा जो है छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे थे, मैंने आप लोगों को दिखाए थे, और प्लांट्स आ जाएंगे। तो ये है अब मेरे पास इस तरह दो प्लांट तैयार हो गए, प्लांटर जो है वो मेरे पास तैयार हो गए। तो इस तरह बस ख्याल रखने वाली बात यही है कि आप इसकी वेल ड्रेन से सॉइल तैयार करें, उसमें लगाएं और बहुत ज़्यादा पानी नहीं अप्लाई करना। ये जो है सकुलेंट प्लांट, इसको पानी जो है उससे बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। सॉइल को चेक करना है, उसके बाद इस पर पानी अप्लाई करना है। पहला जो है वो पानी मैंने इसलिए इसको भर के दे दिया, इसके बाद अब सॉइल मज़ीद चेक अप्लाई करूँगी। ये देखिए इतनी भी माशाल्लाह कितने हेल्थी और बहुत प्यारे प्यारे, ये सब जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं कैक्टस जब मैं इनको ग्रो करती रही हूँ। देखें इनकी जो है सॉइल कैसी बनी है। तो ये भी मैंने एक कैक्टस तैयार किया है, इंशाल्लाह आप देखें जाके इसमें बहुत प्यारी सी फ्लावरिंग होगी, बहुत प्यारा लगेगा। तो मैंने इस वीडियो में दिखाया है कि कैसे इसमें इस प्लांट पर फ्लावर आता है, बहुत ही प्यारा। इंशाल्लाह जब मैं इसको तैयार करूँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। देखें ये इनकी सॉइल इसी तरह वेल ड्रेन सी सॉइल तैयार करनी है, और माशाल्लाह से इन तमाम प्लांट्स की हेल्थ देखें कितनी अच्छी चल रही है। कैक्टस और सकुलेंट मुझे इसीलिए बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें जो है हमें बहुत ज़्यादा इसकी जो है केयर नहीं करनी पड़ती। तो चलें, अगर आपको मेरे कैक्टस प्लांट्स जो हैं ये अच्छे लगे हैं और फ्लावर मेरे गार्डन के अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओवरऑल मैं हल्का हल्का आप लोगों को अपना जो है ओवरव्यू देती हूँ। ये देखें जेट प्लांट कितने प्यारे प्यारे मैंने तैयार किए हुए हैं, और ये देखें ये भी जो है सकुलेंट है डक में लगे हुए आइस प्लांट,
बहुत प्यारी सी फ्लावरिंग देते हैं। ये देखें, ये भी मैंने एक जो है डक्सी ही बनाई हुई है पारचुलाका की। तो चलें, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।